Student, you can see the figure. Okay, for question. They clear two identical balls bearing in a contact with each other and resting on a frictionless table. They are talking about this thing. Okay. Now, a hit and hit head-on by the another ball bearing of the same mass moving initially with the speed v. इफ द कोलिज्म इज अलास्टिक विच ऑफ द सिचुएशन शोज इन अ फीगर इज अ पॉसिबल रीजल आफ्टर द कोलिज्म ठीक है तो यहाँ पे अभी इसका वेलोसिटी वी दिया हुआ है और ये रेस्ट है ये दोनों रेस्ट है यहाँ आके कोलाइड करेगा ठीक है रेस्ट मीन्स इसकी वेलोसिटी जीरो अब यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक कोलिज्म इलास्टिक कोलिज्म मीन्स वाट इनिशियल एंड द फाइनल सेम होना चाहिए यहाँ पे तीन सिचुएशन दिए तो कौन सी राइट होगी वो हमें डिफाइन करना है ठीक है तो पहले हम लोग इनिशियल की बात करते हैं मीन्स दे आर टॉक वी आर टॉक वी हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग राइट सो यहाँ वन है जो वन उसका वेलोसिटी हमें मिलेगा सो फॉर द फर्स्ट बिफोर कोलिजन का सिचुएशन देखेंगे बिफोर के लिए तो हम लोग यहाँ पे सिंपल मोमेंटम तो इनिशियल हो आई मीन इलास्टिक हो यानी इलास्टिक वो तो कंजर्वेशन ही आएगा ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं चलो पहले के लिए वन हाफ एम वी उसके बाद ये दोनों पोजीशन तो उन दोनों का वेलोसिटी वुड बी जीरो तो यहां पे हमें क्या मिलेगा इनिशियल में के आई इज इक्वल टू वन हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे वन टू जी ऑलरेडी लिखा है मैं इसे ए बना लेता हूँ ठीक है अब आफ्टर कोलिजन की बात करें कैसी आफ्टर कोलिजन आफ्टर आफ्टर अब आफ्टर में भी पहला केस नंबर वन वी जस्ट टेक अबाउट द केस वन तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी के एफ इज इक्वल टू चलो पहला यहाँ पे वन और टू दोनों के लिए ये क्या है जीरो सो so, मैं सिंपल जीरो लिख सकता हूँ ठीक है सॉरी ये रहा सॉरी ये रहा ये रहा वन और टू के लिए जीरो है और यहाँ वेलोसिटी क्या दिया हो वी बाई टू और ईच बॉल हैज अ मास एम ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या ले वन हाफ मास के हमारे पास टू एम और वेलोसिटी सिर विड बी वी बाई टू होल स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से टू टू विल बी कैंसल आउट सो एम वी स्क्वाय फोर ओके ये पहला आंसर आ गया नाउ गो फॉर द सेकेंड वन एंड द थर्ड चलो सेकेंड के लिए सेकेंड के लिए कोई और कलर ले लेते हैं सेकेंड के लिए के एफ चलो अब सेकेंड के लिए भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड के लिए सेकेंड के लिए यू विल सी दिस दिस पहले दोनों के लिए वेलोसिटी विल बी जीरो तो मैं ज़ीरो लगा लेता हूँ ये थर्ड के लिए वेलोसिटी वी दिया है और एक ही ब्लॉक है एक ही स्फीयर है सो सिंपल वन स्फीयर मास इज एम उसका वेलोसिटी वी सो वी स्क्वायर सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वन हाफ एम वी ये केस वन के लिए तो इसे मैं बी वन कह देता हूँ ये केस टू के लिए तो इसे मैं कह देता हूँ बी टू नाउ फॉर द केस थ्री सो केस थ्री के लिए विल टेक अनदर कलर कौन सा रहेगा ऑरेंज इज अ गुड थ्री चलो यहाँ पे ये तीनों एक साथ है ठीक है तीनों एक साथ है तो सिंपल हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू वन हाफ तीन है तो मास हो जाएगा थ्री एम ठीक है वेलोसिटी विल भी क्या दिया यह वी बाई थ्री है तो वी बाई थ्री होल स्क्वायर साहब तो इसे कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ सो के एफ बी वन बाई थ्री एम और वी स्क्वायर थ्री थ्री ज़ा नाइन ठीक है ये इसका स्क्वायर तो थ्री जी जा नाइन अब यहाँ से इसे कैंसिल आउट करें तो हमें वापस क्या मिलेगा वन हाफ एम वी स्क्वायर बाई वन हाफ एम वी स्क्वायर थ्री ठीक है तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई सिक्स सो दिस इज आर बी थ्री सो आप लोग चेक कीजिएगा बी वन के साथ कौन सा मैच हो रहा है सो so, थोड़ा out कर लेते हैं अब देखिए हमारे पास बी वन क्या है ये हमारे इनिशियल वन हाफ एम वी स्क्वायर ये हो गया हमारा इनिशियल वन हाफ एम वी स्क्वायर तो ये तो एम वी स्क्वायर बाई फोर ये मैच नहीं हो रहा है चलो ये वन हाफ एम वी स्क्वायर है ये मैच हो रहा है बी टू और ये तो एम वी स्क्वायर बाई सिक्स ये भी मैच नहीं हो रहा है सो वी विल से दैट ए इज इक्वल टू बी टू इक्वल हो रहा है बी टू मीन्स वॉट केस टू केस टू सो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि सिंपल बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड है सेकेंड केस वो हमारा इलास्टिक कोलिजन रहेगा सो सेकेंड द सेकेंड विल बी द राइट आंसर दिस वन थैंक यू एंड टेक केयर